हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुधा है और मैं लेक्चरर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जीपीसी भरतपुर में। आज हम पढ़ेंगे फ्लैप पिवोट बेयरिंग। ये हमारा जो एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ मशीन का, फ्रिक्शन चैप्टर, उस चैप्टर का एक टॉपिक है फ्लैट पिवोट बेयरिंग, वो देखेंगे हम। फ्रिक्शन हम जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, जो हमारा मोशन का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोज में जो एक फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, जो एन हमारा नॉर्मल फोर्स है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या क्या है एग्जैक्टली। व्हेन अ वर्टिकल शाफ्ट रोटेट इन फ्लैट पिवोट बेयरिंग नोन एज फुट स्टेप बेयरिंग, जो हम डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि हमारा जो पिवोट है वो फ्लैट है, फ्लैट पिवोट के ऊपर एक शाफ्ट लगी हुई है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, तो इस तरह के सेटअप को हम फुट स्टेप बेयरिंग बोलते हैं। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी अलोंग द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेयरिंग, जो शाफ्ट और बेयरिंग है दोनों का जो कॉन्टैक्ट का सरफेस है उसके बीच में हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। डब्ल्यू हमारा है एक वर्टिकल लोड, लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बेयरिंग सरफेस, जो बेयरिंग सरफेस के ऊपर लोड आ रहा है वो हमारा कैपिटल डब्ल्यू है, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ बेयरिंग सरफेस है। अगर हम सेंटर से देखें तो जो हमारा रेडियस है वो कैपिटल आर है। पी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है पर यूनिट एरिया ऑफ बेयरिंग सरफेस बिटवीन रबिंग सरफेस। म्यू है हमारा कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी वो एक हम रिंग कंसिडर करेंगे। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हमने रिंग कंसीडर करी है स्मॉल आर की, सेंटर से उसका डिस्टेंस है स्मॉल आर और उसकी थिकनेस है डी आर। तो जो हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी पहले हम छोटे से रिंग पे करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करके टोटल सरफेस पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में दो केस हैं, एक तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है और दूसरा हमारे पास में यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी देखेंगे। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का मतलब है जो जीरो, अगर हम सेंटर देखें, सेंटर जो हमारा है शाफ्ट का सेंटर है, वहाँ से लेके और जो एंड पॉइंट है वहाँ तक का जो टोटल जो प्रेशर है पूरे सरफेस में इवन है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जैसे रेडियस चेंज होती जाएगी तो रेडियस के साथ में आपका प्रेशर भी चेंज होगा, ऐसा नहीं है इसमें। यूनिफॉर्म में मतलब सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है प्रेशर आपका। तो यहाँ पे हम प्रेशर देखें क्या रहेगा, प्रेशर का फॉर्मूला वैसे होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। जो हमारा लोड आ रहा था, लोड वर्टिकल लोड, वो डब्ल्यू था, और जो एरिया है पर यूनिट एरिया रहता है, तो यूनिट एरिया जो हमारा यहाँ पे है वो है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो शाफ्ट है शाफ्ट सर्कुलर है और अगर हम सर्कुलर सर्कल का एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर होता है और कैपिटल आर उसकी रेडियस थी, तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो गया। तो ऐसे हम प्रेशर का कैलकुलेट कर लेंगे, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हम जो कैलकुलेशन आगे की वो हमारे रिंग पे करेंगे, रिंग है हमारी स्मॉल आर की, थिकनेस है डी आर। जो एरिया है इसका कैलकुलेट करेंगे तो रिंग की जो परिधि है वो होगी टू पाई आर इंटू डी आर, डी आर इसकी थिकनेस है, तो परिधि से टोटल जो लेंथ है और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एरिया आ जाएगा हमारे पास में। रिंग के ऊपर हम लोड ट्रांसमिट हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, डेल डब्ल्यू हम उसका छोटा सा पार्ट ले लेंगे, जो हमारा डब्ल्यू था टोटल उसका हम छोटा सा पार्ट कैलकुलेट करेंगे जो रिंग पे आ रहा है। डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू ए, एरिया हमने रिंग का कैलकुलेट कर ही लिया था, टू पाई आर डी आर, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब जो हमारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी, उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। सेंटर से हम अगर देखें तो रेडियस आर पे उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करेगा। रिंग के ऊपर अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल
कैलकुलेट करेंगे, उसको हम एफ आर से लिखेंगे। फ्रिक्शन का फॉर्मूला था एफ इक्वस टू म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे जो हमारा एन है वो डेल डब्ल्यू है। डेल डब्ल्यू की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी थी अभी रिंग के लिए, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो म्यू इंटू पी इंटू टू पाई आर डी आर, ये हमारा एफ आर निकल के आ जाएगा। जब हम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे अब रिंग पे। फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कैलकुलेट करते हैं हम जो फोर्स है, फोर्स का जो रेफरेंस पॉइंट है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा जो फोर्स है वो है एफ आर, और जो डिस्टेंस है वो हमारी आर है। एफ आर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे ऊपर से, टू पाई म्यू पी आर डी आर इंटू आर। ये हमारा रिंग के ऊपर टॉर्क निकल के आएगा, टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। इसको हम इक्वेशन टू बोलेंगे। टॉर्क कैलकुलेट कर लिया हमने रिंग पे, अब हम आगे की जो कैलकुलेशन है उसके लिए हम टोटल जो हमारा बेयरिंग का सरफेस था उस पर कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम जीरो से कैपिटल आर की लिमिट के बीच में। तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम जीरो से कैपिटल आर के बीच में टी आर को, जो हमारे रिंग के ऊपर आया था वैल्यू, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क टी, जीरो से आर की लिमिट लगाई हमने। जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है एक इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन डी एक्स। तो हम उसका जो फॉर्मूला है उसमें हम एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, जो हमारी पावर है उसमें प्लस वन कर देंगे डिवाइड में और ऊपर, तो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। उस फॉर्मूले से हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे जीरो से आर की लिमिट में। अगर लिमिट नहीं होती तो प्लस सी एक कांस्टेंट आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिमिट है इसलिए हम लिमिट को रखेंगे। तो टू पाई म्यू पी, जीरो से आर की लिमिट लगाएंगे हम इंटीग्रेशन में, आर स्क्वायर डी आर। टू यहाँ पे वैल्यू है पावर की, तो एन प्लस वन तो थ्री हो जाएगा डिवाइड बाई एन प्लस वन, तो डिवाइड में भी थ्री आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी जीरो से आर की। अब हम लिमिट्स रख देंगे, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी फ्रिक्शनल टॉर्क की वो आएगी टू बाई थ्री पाई म्यू पी आर क्यूब। अब यहाँ पे हम पी की वैल्यू रख सकते हैं, पी हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर था, यूनिफॉर्म प्रेशर हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया था टोटल एरिया पे, तो वो था पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। पी की वैल्यू हम यहाँ पे रख के टोटल जो टॉर्क है उसको निकालेंगे, टू बाई थ्री म्यू डब्ल्यू आर, यह हमारा टोटल टॉर्क निकल के आया है। क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाएगा कि पावर लॉस हुई है जो फ्रिक्शन के कारण, वो क्या होगी शाफ्ट में, शाफ्ट अगर रोटेट होती है तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल्स टू टॉर्क इंटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड के अंदर है। ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं टू पाई एन बाई सिक्सटी होती है। एन यहाँ पे क्या होती है? शाफ्ट की स्पीड होती है। और ये अगर टू पाई एन बाई सिक्सटी लिख रहे हैं हम, तो सिक्सटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे जो मिनट के अंदर है एन की वैल्यू, स्पीड ऑफ जो शाफ्ट है रेवोल्यूशन पर मिनट में, इसलिए हम यहाँ पे सिक्सटी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा पावर लॉस्ट है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो पावर लॉस हुई है फ्रिक्शन में वो क्या है, तो हम इस फॉर्मूले से आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें हमने जो देखा था, सबसे पहले हमने डायग्राम देखा, डायग्राम में जो एक रिंग कंसीडर करी, रिंग कंसीडर करके हमने छोटे से रिंग के ऊपर कैलकुलेशंस करी, और रिंग के ऊपर जो कैलकुलेशन करके हमने टोटल जो एरिया था उसके ऊपर कैलकुलेशन करी, और हमारा जो टोटल टॉर्क था वो कैलकुलेट किया, और उससे हमने पावर कैलकुलेट करी। ये हमने यूनिफॉर्म प्रेशर का केस देखा है अभी। तो
जो हम आगे का एक केस देखेंगे वो हमारा यूनिफॉर्म वियर का होगा, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।